चलिए जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आज ये चैप्टर्स में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले चैप्टर्स में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा एनर्जी के कई फॉर्म्स होते हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उसी तरह की इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होता है, लेकिन आज के समय में बिना इलेक्ट्रिक एनर्जी के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। यह हमारे लिए इतना मोस्ट यूजफुल है, इट कैन बी कन्वर्ट टू ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इजिली एंड कैन बी स्टोरेज ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विथ वेरी लिटल वेस्टेज। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं, इजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं और बहुत कम वेस्टेज के साथ। आपने देखा होगा, जहां भी होंगे बड़े बड़े टावर्स लगे रहते हैं, वन स्टेट टू अदर स्टेट और अदर स्टेट टू फर्स्ट स्टेट, तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज सकते हैं विथ हेल्प ऑफ द कंडक्टर। तो कम से कम वेस्टेज में इसको इजीली एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, आज के लाइफ में जो भी चीजें हम गैजेट्स यूज करते हैं, वो चाहे लैपटॉप हो, चाहे बल्ब हो, चाहे मोबाइल हो, मोस्ट ऑफ थिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, मोटर्स, ऑल फोन्स, एयर कंडीशन, हीटर, कंप्यूटर, एवी में मशीनरी, ऑल यूज द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इट फैक्ट इज द डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी। जरा सोच के देखिए, बिना इलेक्ट्रिक एनर्जी के हमारी लाइफ कैसी होती है, अगर आज के समय के अनुसार देखें तो। द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइज इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो से होता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम फिजिक्स में रखे हैं, वी डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर इफेक्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम जिस तरह से डील करते हैं उसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। तो अगर मान इलेक्ट्रिसिटी को अगर डिफाइन करेंगे तो एक लाइन में कर सकते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? अगर चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो चार्ज का फ्लो के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। जो पहला पॉइंट है वो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बेसिकली दो तरह के होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। क्लियर है? दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन इज सेड टू बी चार्ज पॉजिटिवली एंड इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी चार्ज निगेटिवली। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज देता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो निगेटिव चार्ज देता है। इसको भी लिख सकते हैं अपन, तो प्रोटॉन कौन सा चार्ज देता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज देता है, निगेटिव चार्ज। तो बोल सकते हैं प्रोटॉन इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज
एंड इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज. ओके ठीक है. थर्ड पॉइंट इसके बाद आते हैं सेकेंड पॉइंट्स पे कि जो लाइक चार्ज होते हैं, यानी लाइक चार्ज कौन से चार्ज होते हैं, जो सेम तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह के चार्जेस लाइक चार्ज कहलाएंगे. तो लाइक चार्ज आर रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट. लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट. Does a proton repel a proton and attract an electron? तो सेम चार्ज अगर जो है वो लाइक चार्ज है वो रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज जो है जो डिफरेंट है, एक प्रोटोन है दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं ऐसे समझने के लिए, does a proton repel टू प्रोटॉन. क्लियर, प्रोटॉन रिपेल टू प्रोटॉन एंड अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोटॉन अट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी बोल सकते हैं. क्लियर, या ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेल टू इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन रिपेल टू इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टू प्रोटॉन. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज. जिसको कॉलम ने दिया था, एक दो रिपल्शन के बीच में जो फोर्स लगता है, लाइक अब समझते हैं ये बात कि हमने बोला कि सेम चार्ज अगर रहेगा, लाइक चार्ज रहेगा, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा. क्लियर है ये बात. अगर रिपेल करेगा तो वो उसके बीच कोई ना कोई तो फोर्स लगता होगा. दो अगर दो चार्जेस है आपस में रिपेल कर रहा है, तो उनके बीच कोई ना कोई तो फोर्स लगता होगा. क्लियर है, वो फोर्स के कारण ही दूर जाएगा, दूसरे से रिपेल करेगा. ठीक है, तो उस कौन सा फोर्स लगता है और कितना फोर्स लगता है ये समझते हैं. क्लियर है, तो उस द फोर्स of attraction or repulsion. ठीक है, the force of attraction and repulsion between two charge is given by Coulomb's law. ठीक है, the force of attraction and repulsion between two charges is given by Coulomb's law. तो कोई भी दो चार्ज है उसके वो या तो वो अट्रैक्ट होगा, अगर अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट होगा, और अगर लाइक चार्ज है तो रिपेल होगा. अट्रैक्ट होने के लिए भी कोई ना कोई फोर्स चाहिए, और रिपेल होने के लिए भी कोई ना कोई फोर्स चाहिए. ठीक है, तो वो फोर्स कितना होता है आखिर. ठीक है, कोई जरूरी तो नहीं है सारे रिपल्शन इक्वल ही हो, सारे अट्रैक्शन इक्वल ही हो. आपने मैग्नेट देखा होगा, अगर छोटा मैग्नेट होता है तो वो उसके बीच जो अट्रैक्शन होता है उसको आसानी से अलग कर सकते हैं कम फोर्स लगाकर. लेकिन अगर वही बड़ा मैग्नेट है, पावरफुल मैग्नेट है, तो उसको अलग करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना होगा. तो वो फोर्स होगा कितना,
उसको डिफाइन किया था कॉलम्स ने, उसने एक लॉ दिया था जिसका नाम है कॉलम्स लॉ। ठीक है, तो यहां पे जो समझते हैं अपन, वो इधर से आएगा, मान लेते हैं, देख लीजिए समझ तो आइए क्या होगा। तो वो यहां से हम देखते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता कितना है, तो फोर्स इक्वल टू होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, यही रूल यहां काम करता है। यहां पे क्यू वन और क्यू टू दोनों चार्ज का पावर है, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दो चार्जेस हैं, या वो पॉजिटिव हो या वो निगेटिव हो, या निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई भी दो चार्जेस हैं, ठीक है, वो और उनके बीच का डिफरेंसेज, उस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो और इसको अगर एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो कहां तक आएंगे, तो देखिए ध्यान देते हैं, तो के इज कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, के इज कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, के जो है यहां पे कॉन्स्टेंट है उसे मैनेज करने के लिए। ठीक है, और Q1 और Q2 क्या है, इज चार्ज, दोनों क्या है, चार्ज है। नेक्स्ट वन आते हैं R, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर हो गई बात, कि चार्ज को नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नहीं क्रिएट किया जा सकता है, जो चार्ज है वो ही है, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं चार्ज के साथ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल चार्ज है, ठीक है, उसको हीटर अगर बनाते हैं तो हीट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और भी चीजों में चेंज कर सकते हैं उसको, मशीन चलाते हैं मैकेनिकल चार्ज में भी उसको चेंज कर सकते हैं, तो एक तरह से एक चार्ज से दूसरे चार्ज में बस चेंज करते हैं उसको। देखिए, हो सकता है कि जितना हम इसको चार्ज किए दिए उतना वो हमारा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जो भी ये खपत भी हुआ है, अगर सपोज चार्ज कम भी, जो एनर्जी हम उसको दिए हैं, बाय द वे जो एनर्जी दिए हैं उतना हमें रिजल्ट नहीं मिला, कुछ एनर्जी ये अपने पास रख लिया, ठीक है, तो टोटल मिला के जितना हमने उसको दिया, जितना हमें रिजल्ट मिला, टोटल मिला के वो फिक्स जितना था उतना ही आ जाएगा। इसलिए बोल सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। कम ज्यादा हो भी कैसे सकता है, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, अगर डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो जितना है तो उतना ही तो रहेगा, तो इसीलिए हमने क्या बोला उसको कि कांस्टेंट, वो जितना अगर लास्ट में इस सबको जोड़ा जाए तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आ रही बातें। नेक्स्ट पॉइंट है देखते हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एलिमेंटरी चार्ज पार्टिकल्स, थ्रू द चार्ज ऑन देम अपोजिट नेचर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पोसेस बाय देम इज सेम। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल है, दोनों पर चार्ज होता है, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों पे डिफरेंट चार्जेस होता है, प्रोटॉन हैव ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैव ए निगेटिव चार्ज, बट दोनों के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं, जितना एक प्रोटॉन पे चार्ज होगा उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे भी होगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंसेस सिर्फ इतना है, तो एक पॉजिटिव में होगा दूसरा निगेटिव में होगा, अगर सेम प्रोटॉन और सेम इलेक्ट्रॉन है तो दोनों बैलेंस कर जाएंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट देख लीजिए आप, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एलिमेंट्री
ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स थ्रू द चार्ज ऑन देम थ्रू द चार्ज ऑन देम इज अपोजिट इन नेचर। ओके, आपको पता है दोनों डिफरेंट नेचर के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। द मैग्नेटिक ऑफ चार्ज फोर्सेस बाय द देम इज सेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फोर्सेस बाय देम इज सेम। ओके, कितना होता है चार्ज, आप पहले भी पढ़े होंगे कि वन इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज रखता है, वन प्रोटॉन कितना चार्ज रखता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कॉलम। इतना ही चार्ज प्रोटॉन भी रखता है, इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन भी रखता है। ठीक है, चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज एन इंटरनल मल्टीपल्स, मतलब कि एक पे इतना होता है, जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा ये होता जाएगा। अगर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है तो इतना चार्ज रखता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ऑलवेज ये इंटरनल मल्टीपल होता है। ठीक है, इंटीग्रल ठीक है ऑफ दिस वैल्यू। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर हो गई बात। तो जितना प्रोटॉन चार्ज रखता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज रखता है, बट दोनों डिफरेंसेज नेचर होते हैं दोनों का। ठीक है, दोनों का जो प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, दोनों चार्जेस ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि व्हेन ए बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स द निगेटिव चार्ज, then it lost electrons, it becomes the positive charge. The positive charge begins the bonded firmly in the nucleus, does not the particle in the charging. अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, लेता है, सिंपल सी बात है, ऐसे भी समझ लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो निगेटिव चार्ज बढ़ता है, अगर वो लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल है, ऐसे समझ लो आप दूसरे वर्ड में कि अगर आपके ऊपर कर्ज है यानी निगेटिव है, अगर और कर्ज लोगे तो निगेटिविटी और बढ़ेगी, कर्ज तो और बढ़ेगा, लेकिन आप चुकाओगे दोगे तो पॉजिटिव बढ़ेगा यानी कम होगा कर्ज ना। तो उसी तरह की बातें हैं यहां कि इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन करेगा तो निगेटिव चार्ज होगा, लेकिन लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए यहां से देख लेते हैं। व्हेन ए बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, व्हेन ए बॉडी देन इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स
निगेटिव चार्ज। क्लियर? ओके, व्हेन इट लॉस ठीक है व्हेन इट लॉस या लूजेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ध्यान दीजिए, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को टू पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दो पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इट डील विथ द इलेक्ट्रिक चार्ज एट द रेस्ट एंड देयर इफेक्ट्स। इट डील विथ स्टैटिक चार्ज एट रेस्ट एंड देयर इफेक्ट। ठीक है, इसमें जो स्टैटिक चार्ज है वो रेस्ट में रहता है, वो फ्लो नहीं कर रहा है ठीक है, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा। दूसरा आते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? इट डील विद द चार्ज इन मोशन। यहां पे चार्ज जो है वो मोशन में रहता है। ठीक है, यही है। तो इट डील विथ चार्ज इन मोशन पहले, एंड देयर इफेक्ट, और उसका इफेक्ट जो होता है जो भी हो। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली हम इसी इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल आपको दे देते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। आप कभी भी किसी भी मार्कर पेन किसी भी चीज को अगर अपने हेयर में इस तरह से रफ करते हैं और एक छोटे 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 से पेपर के टुकड़े के पास हम ले जाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो इसमें जो रफ करने के कारण चार्जेस प्रोड्यूस हुआ है वो स्टैटिक चार्ज है ठीक है। तो बचपन में इस तरह के आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो सबसे पहले इसके बाद हम जो आते हैं वो पॉइंट है वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए, चार्ज को फ्लो होने के लिए हमें किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है, और जिससे चार्ज फ्लो हो सकता है उसी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। ये सिंपल सी बात है ठीक है। और जिसमें एक चार्ज का फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं वो आपको बार बार मैं बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से नोट्स बना सके ठीक है, और शायद बाद में भी आपको काम आए। क्लियर है?